कल दी मीटिंग सी वो पंजाब दे इतिहास दे विच एक माइलस्टोन सी। सरकार ने कुछ भी ना सोचिया तां लोक पंजाब दे विच इंडस्ट्री नहीं लगाउणगे। हिमाचल प्रदेश आ, हरियाणा वा, यूपी आ, जम्मू कश्मीर आ, उत्थे प्लान करदे। पंजाब बिजली का संकट जो चल रहा है जिसके करके जो लुधियाना का सनअतकार पंजाब का सनअतकार कितना कितना काफ़ी दुखी सगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी जोड़ा वा नुकसान झेलना पै रहा था। यूपी के सीएम आदित्य नाथ जोगी वालों जो वा लुधियाना के सनअतकार एक सदा दिता गया था, मीटिंग एक बुलाई गई थी, उस तो बाद लुधियाना के सनअतकार जो उत्थे गए थे। असं गलबात भी कर लेंगे सनअतकार जो उस मीटिंग में मौजूद थे। कुलार साहब सदा दिता गया था आदित्य नाथ जोगी वालों यूपी के सीएम ने, मीटिंग की कुछ खास रहा? मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। आदित्य जोगी नाथ जी ने जिहड़ी लुधियाने की इंडस्ट्री नूं इनविटेशन दिता भी तुसी आओ इनवैसट करो यूपी दे विच। इस वेले जिहड़ा यूपी आ वह बिजनेस परपज तो एक नंबर का सूबा बन गया क्योंकि कदे जिहड़ा उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर हुंदा सी अज पहले नंबर पर आ, ते पंजाब कदे पहले नंबर पर हुंदा सी अज 19वें नंबर पर आ। ते उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ इन यूपी साढ़े नाल जिहड़ी मुलाकात की, ते जिहड़ा अज पंजाब बिजली दे संकट दे नाल जूझ रहा वा क्योंकि इउं लग रहा भी आने वाला जिहड़ा फ्यूचर आ पंजाब च बिजली नहीं होनी क्योंकि अज पंजाब की जिहड़ी डिमांड आ जिथे 12,000 दे अगेंस्ट सिर्फ 5672 मैगावाट बिजली असी इस वेले प्रक्योर की आ। हाँ, जदों आ कल आदित्य जोगी नाथ जी वाला जिहड़ा मसला होया उस तो बाद पंजाब सरकार ने 5,800 करोड़ की बिजली 12.40 रुपए यूनिट के उत्ते खरीद ली। ये यूनिट के उत्ते बिजली खरीदण की लोड़ सी 1 जुलाई नूं, ये 1 जुलाई नूं बिजली खरीदण की लोड़ सी। सरकार ने सोचा कि मैं बिजली 12.40 रुपए खरीद के 8 रुपये दूंगी तो मैनू लॉस हो जाएगा, तो जबकि जिहड़ी हाइड्रो पावर आ उह तां 2.53 रुपए कॉस्ट कर रही है सरकार नूं। सो मैं गल कर रहा जिहड़ी कल दी मीटिंग सी उह पंजाब दे इतिहास दे विच इक माइलस्टोन सी, ते क्योंकि जदों सरकार वल्लों जबरन जिहड़ी इंडस्ट्री बंद करवाती बिजली दी कट ला के और एक नादरशाही फरमान किया, मैं तुहाडे नाल शेयर करदा कि अगर साडे कोलों फैक्टरी चल जाए तो सानू 100 रुपये पर KVA जुर्माना हुंदा सी, अगर 1,000 KVA असी चला लिया तो 1,00,000 रुपया जुर्माना सानू देना पएगा बिजली बोर्ड नूं, जिहड़ा कि सरकार ने वधा के 5,00,000 रुपया करता। और यूजुअली चार्जेस एक बहुत बड़ा नादरशाही फरमान जारी किया, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, जिहदे तहत इंडस्ट्री का कनैक्शन कट्टण दे और 1 साल का बिल लैण दा उहदे विच कंपलसरी जिहड़ा रेगुलेशन पाता, रूल पाता, तां कि जिहड़ी इंडस्ट्री आ उह तबाह कर दित्ती जावे। इस कांग्रेस सरकार ने इंडस्ट्री वाले पासे जां बिजली दी जनरेशन नूं वधाउण वाले पासे पिछले 4.5 साल तो कोई उपराला ही नहीं किया। ये उपराला किया सी सर सुखबीर सिंह बादल ने, पंजाब नूं सरपलस स्टेट बना के पंजाब च पीक लोड चार्जेस खत्म करते सी, पर इस सरकार ने 1 जुलाई तो साढ़े को 2 रुपये यूनिट शाम 6 बजे तो रात के 10 बजे तक नवा एक होर रूल लै आता। सो मैं गल करदा कि सरकार दा इंडस्ट्री कोई फोकस एरिया नहीं, ये तो अपनियां कुर्सियां बचाउण लगे हुए हैं। और जितों तक जिहड़ी इंडस्ट्री आ, इंडस्ट्री सरकार कोलों सिर्फ इक्को चीज़ मंगदी आ, इनफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड नैटवर्क दे दिओ, बाकी सारे काम असीं आप कर लांगे और सरकार नूं रेवेन्यू देवांगे। अज जेकर रोज़ का 700 करोड़ तो लैके 1,000 करोड़ का नुकसान होया तो उहदे विच सरकार का GST पोर्शन का भी होया, स्टेट का जिते GST होया उत्थे सेंटर का भी होया, उत्थे दोनों का नुकसान भारी होया। सो मैं गल करदा कि सरकार ने अगर हजे भी डुल्ले वेरां का कुछ नहीं बिगड़िया, सरकार ने कुछ भी ना सोचिया तो लोग पंजाब दे विच इंडस्ट्री नहीं लगाउणगे। तो ये जिहड़ी इंडस्ट्री आ जिहड़े साडे एडजॉइनिंग स्टेट्स आ, हिमाचल प्रदेश आ, हरियाणा वा, यूपी आ, जम्मू कश्मीर आ, उत्थे प्लान कर जाए। सर पर पंजाब सरकार वालों कहा जा रहा है, गल करिए इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा वालों, यह कहा जा रहा है कि असी सनअतकार की हर एक मदद करांगे, इस दे विच जमीनी हकीकत किंदी? मैं गल करदा कि शाम सुंदर अरोड़ा जी ये दसण कि जिहड़ा इनवैसटमेंट पंजाब आ, इनवैसट ब्यूरो आ, जिहदे विच इन्हां ने कहा कि असी 65,000 करोड़ रुपया पंजाब दे विच इनवैसटमेंट च आया वा, मैनू ये दस देन अगर 65 करोड़ भी आया हो। क्यों? सरकार दे जिहड़े इनहांसमेंट लिंक आ, फोकल पॉइंट फेस 8 आ, उस दे विच हजे तक पिछले 4.5 साल तो सारे केस पेंडिंग पए आ, एक भी केस अप्रूव नहीं होया,
ना किसी नूं बैंक नूं चेंज करन दी इजाजत मिलती है, ना लिमिट वधाउण दी इजाजत मिलती है। वो सब कुछ सरकार ने रोकिया होया वा। वो हुण सरकार ने एमनेस्टी स्कीम 30 नौ तक एक्सटेंड की आ। हुण 30 नौ तक भी अगर सरकार फैसला ले लैंदी है, पंजाब सरकार, असीं कहांगे कि सरकार ने इंडस्ट्री वास्ते कुछ किया। इस सरकार ने झूठे लारियां तो अलावा, डेट एक्सटेंड तो अलावा कुछ नहीं किया है। पंजाब की इंडस्ट्री तबाह करके रखती। बिल्कुल सर, हो रही सनअतकार जो उस मीटिंग से शामिल थे, सर गल करिए लगातार तुम मीटिंग से शामिल सके, तो आदित्यनाथ योगी वालों कि इंडस्ट्री ज़्यादा रुचि है, क्योंकि लुधियाना सैकल इंडस्ट्री का हब है, होसरी का भी इतने हब है, आदित्यनाथ योगी वालों कि इंडस्ट्री ज़्यादा रुचि दिखाएगी? उन्हें सैकल इंडस्ट्री ज़्यादा दिखाया इधर आने, क्योंकि जो सैकल इंडस्ट्री है एक घर घर जाके उन्होंने समॉल स्केल इंडस्ट्री की हब दूगी। सर कारण की समझ दो, पंजाब का सनअतकार या लुधियाना सनअतकार दुखी क्यों है, कारण की है? मुख्य कारण तो यही है, एक लाइट की इतने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, लाइट तो मिलती नहीं हैगी। जिदा हम प्लैन बड़े बादल साहब ने किया, पहला काम सारे इनू इंडस्ट्री सरपलस करता इलैक्ट्रिसिटी उस तो बाद बंद किया। जोड़े पॉइंट उठाते बी उन्होंने 63,000 करोड़ रुपया फालतू देना पैंता या फलाना करना पैंता बंद के करन या कम ना कर, आप दे भी जोड़े कनैक्शन ने उन्होंने सानू मिनीम चार्ज लाते, दूजे फिक्स चार्ज लाते, वो भी तो यही चीज़ है। वह जो इंडस्ट्री उत्थे बंद होगी तो अक्सर उन्होंने फिक्स चार्ज तो देने ही पैने हैं ना, जिन्हें बंद ने इनवैसट की है, कोई चीज़ की है, कलू लोन सिर से चढ़ के इन्नी इनवैसट करने तो बाद कलू किस्त ना दे सके किसी चीज़ की, वह तो उन्नी तो उन्हें सेव करना ही करना सी, इसलिए वो पॉलिसी उन्होंने सही सी, कोई गलत पॉलिसी नहीं सी। ये उदा जिदा मर्जी कीड़े पाई जाए कम के सरकार जी अपोजिशन सरकार आदि ने दूजिया दूजिया के कसूर ही कड़ दी ने, बस होर कुछ नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल थोड़े तो, जिस तरह ऑफर जो मिल गए ने आदित्यनाथ योगी वालों, अभी कह सकते कि आने वाले समय से जो लुधियाना सनअतकार या पंजाब के सनअतकार है वो यूपी वाल मूवन हो सकते हैं? देखो ये सरकार ने यह बिजली कंपलसरी जिहड़ा पावर लॉकडाउन लगा के, ये करोना लॉकडाउन नालों भी भैड़ा सी। करोना के असी कितने ना कितने अपनी इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत चला लिया, पावर लॉकडाउन के सरकार ने जुर्मानिया 5 टाइम्स करता और जी लेबर आनू 42 करोड़ रुपया खर्च के पिंड भेजता। पर अज जेकर यही हालात रहे तो लोग जोड़े आ जोड़े साढ़े नेबरिंग स्टेट्स आ उन्होंने शिफ्ट कर जाएंगे। पंजाब का यूथ तो सारा इन्होंने कनेडा भेजता, ठीक है, तो इंडस्ट्रीलिस्ट ने उन्होंने नाल दिया स्टेटा भेज देना वा, तो सरकार इतने वेले जोड़ा पंजाब आ इनू तबाह करके साढ़े सामने पेश कर देंगे कि अज जे पंजाब नू बचाउणा वा तां इनवैसटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लियाउणियां पैणगियां। योगी जी ने कहा ऑक्सीजन प्लांट लगाओ मेरे उत्तर प्रदेश दे विच, जिहड़ा 10 करोड़ की इनवैसटमेंट है 2.5 करोड़ रुपया मेरे को पहला जिहड़ी कैपिटल सबसिडी लै लो, किड्डी वड्डी एडवांटेज दित्ती है उन्होंने। तो अज ये सरकार की कोई स्कीम ही नहीं हैगी ऑक्सीजन प्लांट ते, की ये सरकार दे इत्थे पंजाब दे विच इंडस्ट्री नहीं हैगी? सरकार नू सोचण दी लोड़ आ, फोकस करन दी लोड़ आ। पर ये सरकार ने तो 4.5 साल दे विच सानू इहो महसूस होया कि असी जिहड़े इंडस्ट्रीलिस्ट आ एक गुनाह कीता बहुत बड़ा इंडस्ट्री ला के, जबकि सरकार नू एडा वड्डा रेवेन्यू दिता, सेंटर नू रेवेन्यू दिता, स्टेट GST पोर्शन दिता, सेंटर का हिस्सा दिता, IGST दिता, होर इहदे तों इलावा लखां टैक्सिस ने, पर सरकार नू बिजली का बिल पूरा दिता। पर उहदे बावजूद सरकार ने इंडस्ट्री की ना सार लैके जिहड़ा पावर लॉकडाउन ला के इंडस्ट्री तबाह की आ, ये करके जो सनअतकार माइग्रेट करने लिए जरूर प्लैन करेंगे। बिल्कुल, तुम दस दी कि यूपी के CM वालों जो जरूर जरा वा लुधियाना के सनअतकार को सद्दा दिता गया, मीटिंग हुई थी, काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही थी, ना उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा भी किया, जमीन भी सस्ती प्रोवाइड कराने का वादा किया, नाल लेबर भी उत्थे बहुत ईजी तरह मिल जाती यूपी, कितना ना कि जे पंजाब सनअतकार लुधियाना सनअतकार जो यूपी वाल मूव ऑन होणगे, असीं सनअतकार नाल गलबात कीती कि आपां प्लैन करांगे यूपी वाल, तो इसका जो मेन दोषी होगा, मेन जो गुनाहगार होगा पंजाब सरकार खुद होएगी, क्योंकि पंजाब सरकार वालों जो उन्होंने वालों वादा किया गया कितना कितने उन्होंने वालों कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसी करके जरा वो आने वाले दिनों में असं कह सकते हैं कितना कि लुधियाना के सनअतकार है और यूपी वाल जो मूवन हो सकते हैं। कैमरामैन जग्गी के नाल परेश शर्मा, द समर न्यूज़ लुधियाना। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नूं ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं ते इंस्टाग्राम नूं फॉलो करना ना भुलियो।